दोस्तों किया इंडियन मार्केट में काफ़ी सीरियस है, और यह हमें ऐसे मालूम पड़ता क्योंकि जब उसने सेल्स अपनी इतनी अच्छी अटेंड कर ली, बट सेल्टोस को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था उसकी सेफ्टी को लेके, 3 स्टार्स को लेके ग्लोबल इनकैप में। उसके बाद जिस तरह से करेंस में उसने वापसी की है ना, आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ इट, क्योंकि उन्होंने 6 एयरबैग्स दे दिए हैं स्टैंडर्ड, तो सेफ्टी में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। जो उनकी कमज़ोरी थी उन्होंने उसको पहचाना और उस पर काम किया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उन्होंने बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स को भी दिया है गाड़ी में जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, और दिखाता है कि इंडिया के लिए वो सीरियस और फीडबैक को कस्टमर्स को सुनते हैं। उसके साथ ही वो प्रोएक्टिव हो गए हैं, वो किसी भी दिन अनाउंस करने वाले हैं कि वो सेल्टोस और उनकी जो सोनेट है उनके हर बेस मॉडल में 6 एयरबैग्स वुड बी मैंडेटरी। तो प्रोएक्टिव है वो, जो इंडियन गवर्नमेंट करने वाली फ्यूचर में जो अनाउंस किया है वो उसे ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। उसके साथ ही दोस्तों अब उन्होंने क्या किया है, वो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उनके प्लांट में उसे 100% यूटिलाइज कर रहे हैं, करने वाले हैं और कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब इससे मेरा मतलब ये है, जो आपकी कैपेसिटी बनाने की एक प्लांट में गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करने की, वो कई बार पूरे पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाते हैं। मे बी ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर, टाइमिंग इशूज़ होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, बट इन्होंने उसी चीज़ों को रिवैम करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 100% उन्होंने अटेन कर लिया, मतलब इससे ज़्यादा वो बना ही नहीं सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उनकी सेल्स तो बढ़ेंगी, कस्टमर्स को गाड़ी भी टाइम पे मिलेगी, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। उसके साथ ही दोस्तों उनकी अगर सालाना जो प्रोडक्शन की बात करूँ मैं, तो इसके साथ में बढ़ गई है, और वो अब हर साल अभी के हिसाब से 3 लाख गाड़ियाँ वो हर साल बनाएंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग किया। तो कीप डूइंग द गुड वर्क, और अगर आप सेफ्टी में भी अच्छे रिजल्ट लाते हो तो वी वुड बी हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड इन इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।